हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं अमिता, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं चिकन बिरयानी, जो कि किसी भी ओकेजन में आप बना सकते हैं और जो काफ़ी खाने में भी लाजवाब लगती है। तो चलिए, इसको बनाने के लिए हमने लिया है 700 ग्राम चिकन, यानी एक फुल चिकन लिए हैं, जिसको हमने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है साफ तरीके से। उसके बाद अब हम करेंगे क्या, इसको कट लगा देंगे चाकू से, ताकि कट हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि जो जब हम इसे मैरिनेट करेंगे तो नमक जो है मिल जाए। अब हम इसे मैरिनेट करते हैं। तो हमने लिया है अदरक का पेस्ट, हल्दी हाफ स्पून, भुना जीरा 1 स्पून, धनिया पाउडर 1 स्पून, और ये है बिरयानी मसाला, जिसे हम 1.5 स्पून तकरीबन डाल रहे हैं, और ये हरी मिर्ची को हमने 2-3 कूट लिया है। आप यहाँ ज़्यादा ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और जाएगी टेस्ट अकॉर्डिंग साल्ट। उसके बाद ये कश्मीरी लाल मिर्च जो है कलर देती है, वो हम डाल रहे हैं 1 स्पून तकरीबन, और थोड़ा सा यहाँ हम डाल रहे हैं फूड कलर 1/2 स्पून, स्मॉल स्पून से, और ये जाएगी धनिया का लीव्स, और ये 4-5 हरी मिर्च डाल रहे हैं, और यहाँ हमारे पास पुदीना का लीव्स नहीं था तो हम यहाँ ड्राई पुदीना का लीव्स डाल रहे हैं। आप अगर कच्चा मिले तो आप यहाँ कच्चा इस्तेमाल कीजिएगा। और डाल रहे हैं 2-3 चम्मच दही, ये तकरीबन 1/2 कप होगी। बस ये केबरा वाटर है, इसे खुशबू अच्छी आती है। आप अगर नहीं है तो चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, या तो रोज वाटर डाल दीजिए। अब सभी को मिक्स कर देंगे। आप कोई बड़े पॉट में भी इसे लेके इसे मिक्स कर सकते हैं। इसको हमने अब मिला लिया है। अब हम इसे 1/2 घंटे तक इसे छोड़ देते हैं। अगर आप 1 घंटा के लिए, 2 घंटा के लिए छोड़ देते हैं तो और बेटर है। हम यहाँ 1/2 घंटे के लिए तैयार, 1/2 घंटे के लिए रेस्ट इसे करने देते हैं। 1/2 घंटे हो चुके हैं, अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। अब हम एक बड़ा सा पतीला ले रहे हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 2-4 बड़े चम्मच तेल। आप यहाँ तेल की जगह घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, डालेंगे बे लीव्स, छोटा सा दालचीनी, 5 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 1 स्टार, और ये जावित्री का टुकड़ा 2-4, 8-10 ब्लैक पेपर, और ये जाएगी 4-5 लौंग। अब ये हमने 4 बड़े बड़े प्याज काटे हैं, जो इसके लंबे स्लाइस में हमने काट लिया है। सभी को हम इसमें डाल देंगे। रेड होने तक, ब्राउन होने तक इसे पकाएंगे। चलिए, प्याज फ्राई हो चुका है। अब हम इसे, एक प्याज हम इसे फ्राई निकाल लेते हैं, ज़्यादा नहीं, एक प्याज इतना बस। उसके बाद जो हम चिकन डाले मैरिनेट करके, उसको हम डाल देंगे। अब हम सभी चिकन को डाल देते हैं। अब गैस की फ्लेम जो है अभी तक स्लो था, अब हम इसे फुल हाई करेंगे। गैस की फ्लेम हमारा हाई है, हम इसको इतना भूनेंगे ताकि ये जो तेल है हमारा, ये रिलीज ना कर जाए। हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, लगातार इसे भून लेंगे। अब हम इसे देखिए, ये थोड़ा रिलीज कर चुका है, दही जो भी था उसने भी पानी छोड़ दिया है। हम इसमें पानी नहीं डाल रहे हैं। अब इसे ढक देते हैं और गैस की फ्लेम स्लो कर देते हैं।
ऐसा नहीं कि ढक के इसको छोड़ दें, बीच बीच में हमें चलाते रहना है। एक पतीला लिया है, उसमें पानी हमने डाल दिया है गर्म होने के लिए। इसमें इसमें कोई मेजरमेंट नहीं है, इसमें हमको चावल कुक करना है। पानी हमारा गर्म हो चुका है, सेम वही तेजपात 4-5 बड़े लौंग डाल देने हैं, एक स्टार, छोटी सी जावित्री, एक बड़ी इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा, 4-5 छोटी इलायची और 8-10 दाने ब्लैक पेपर। सभी को उबाल आने तक इसका पकाएंगे ताकि इसमें जो फ्लेवर है वो आ जाए। और इसमें हम डाल देंगे 1 स्पून घी, तो इससे चावल चिपकेगी नहीं। उसमें डालेंगे हम 3 चम्मच नमक छोटे चम्मच से, क्योंकि हमने नमक चिकन में भी डाला है और यहाँ अगर डालेंगे तो चावल में भी हो जाएगा, तो इसका जो है इतना ही डालें आप भी 3 चम्मच, ताकि नमक परफेक्ट रहेगा। इसमें देखिए अच्छे से उबाल आ चुकी है, इसका फ्लेवर आ चुकी है। आप चाहें तो इसमें रहने दें या तो निकाल लेते हैं, हम इसे निकाल लेते हैं। धनिया डालेंगे जो हम बचा के रखे थे, और थोड़ी सी पुदीना हमारे पास ड्राई है। उसके बाद डालेंगे हम ये 1/2 लेमन का जूस। इससे क्या होगा, चावल जो है हमारा एक तो क्लीन दिखेगा और खिले खिले बनेंगे। अब हमने लिया है ये चावल जिसको हमने 1 घंटे तक भिंगा लिया था। ये हमारा बिरयानी राइस है, आप जो भी है बासमती राइस लीजिए, बड़े बड़े चावल, ताकि इसमें टूटे ना और चावल खिले खिले बने। हमने इसको अब हम यहाँ पर साफ कर लिया था, 1 घंटे के लिए भिंगा भी रखा था, इसको हम इस स्टेज पे डाल देंगे। और सभी चावल को 80% तक इसे कुक करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है यहाँ। अच्छा, चावल कितना लेना है, अगर आप 1 kg चावल लेते हैं, सॉरी 1 kg आपका चिकन है तो आप वहाँ पर 1 kg चावल ले लीजिएगा, बराबर मात्रा कीजिएगा। अब हम एक बार चिकन को देखते रहें, चिकन बीच बीच में क्या है, इसे कुक होने तक इसे पकाएंगे हम, थोड़ी देर और पकेंगे जब तक हमारा चावल ना हो जाए। इसका फ्लेम जो है मीडियम रखें। चावल हमारे अभी पकी नहीं है, इसे हम 80-90% इसे पकाएंगे। ये देखिए चिकन भी हमारी तब तक पक चुकी है। अब जो है हम इसमें चावल की ओर चलते हैं। ये देखिए चावल भी बड़े बड़े हो चुके हैं और चावल पक भी चुकी है, तो चलिए अब सभी चावल को हम निकाल लेते हैं। इस स्टेज में क्या करेंगे, 1 लेयर हम चावल को डाल देते हैं। उसके बाद डालेंगे जो हमने प्याज को फ्राई करके रखा था बचा के, वो डाल देंगे। उसके बाद थोड़ी सी धनिया का पत्ता, फिर बाकी जो बचे हैं सारे चावल डाल देंगे के ऊपर, फिर प्याज के पत्ते और फिर से हरा धनिया का लीव्स, पुदीना है पुदीना भी डाल दीजिएगा। और ये जो बिरयानी मसाला था थोड़ा सा बचा के रखे थे, फिर यहाँ से उसको ऊपर से स्प्रिंकल करते हुए इसे डाल देंगे। अब हम ये जो दूध में हमने केसर का फूड कलर और केसर का साथ में डाल देंगे, 2 स्पून का तकरीबन चारों ओर फैलाते हुए। और उसके बाद 1 स्पून यहाँ घी डालेंगे, इसे भी थोड़ा सा, ये चावल का पानी जो था गरम उसको हम चारों साइड से फैला देंगे। अब हम इसमें दम लगाएंगे। अब इसे थोड़ी सी इसे ढक दें, उसके बाद गैस की फ्लेम जो है मीडियम रखें। उसके बाद स्टीम जब आने लगेगा तब आपको बताते हैं।
स्टीम आ चुकी है। अब हम यहाँ डाल रहे हैं फॉइल पेपर, इसी के लेवल का। अगर आप फॉइल पेपर नहीं है आपके पास तो आप कपड़े भी बांध सकते हैं, कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लें, उसको चारों साइड से इसे उसे कवर कर दें। अब उसके बाद इसे आसानी से इसे ढक दीजिए ताकि कहीं से एयर ना निकले, और भारी बर्तन इस पर डाल दें और गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दें और 6 से 7 मिनट तक इसे कुक करें। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम गैस की फ्लेम को कर देते हैं ऑफ, और इसमें ऑफ करने के बाद इसे 15 मिनट तक इसी में स्टीम में रहने दें ताकि वो पक जाए अच्छी तरीके से, उसके बाद बताते हैं आपको। 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेते हैं। अच्छा, अब निकालें कैसे, डायरेक्ट नहीं, इसको साइड साइड से चलाते हुए निकाल। देखिए कितना बढ़िया कलर आया, वाह बहुत सुंदर बना है। चलिए हम इसे सर्व करते हैं। अच्छा चलिए, हम इसे सर्व कर चुके हैं, तो आप भी इसी तरह बनाइए, और कोई भी ओकेजन हो, कोई मेहमान आने वाले हो तो आप इसी तरह चिकन बिरयानी बनाइए, और गर्मा गर्म वाकई इतनी टेस्टी बनी हुई कि बता नहीं सकते हैं। ये इसकी जो खुशबू है मेरे ही किचन तक सीमित नहीं है, बल्कि आपकी किचन तक भी पहुंच रही है, मैं उम्मीद करती हूँ ऐसा। चलिए, आई होप कि मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। जो वीडियो मेरा पसंद ज़्यादा लगे उसे कमेंट करके बताएं कि कौन सा वीडियो आप देखना पसंद करते हैं, और हाँ साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।